दोस्तों जब भी हम माउस खरीदते हैं अपने पीसी या लैपटॉप के लिए तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है डीपीआई चेक करते हैं माउस की कि डीपीआई उसकी कितनी ज्यादा है। तो डीपीआई बेसिकली क्या होती है, माउस की सेंसिटिविटी होती है कि माउस का जो कर्सर है वो कितनी फास्ट चलेगा, माउस को जब भी हम हिलाएंगे तो उसकी सेंसिटिविटी को वो डिनोट करता है। लेकिन दोस्तों माउस की सेंसिटिविटी से भी ज्यादा जो चीज मायने रखती है वो मायने रखती है माउस का पोलिंग रेट। अब ये पोलिंग रेट क्या होता है, तो पोलिंग रेट सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं माउस का रिस्पॉन्स टाइम होता है कि माउस आपका आपके विंडोज से आपके सिस्टम से कितनी फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है। अब एक अच्छे माउस में जो है पोलिंग रेट कितना होना चाहिए और कितना पोलिंग रेट हमें चूज करना चाहिए। तो एक अच्छा पोलिंग रेट जो है कम से कम 500 होना चाहिए, 500 से 1000 तक का हो सकता है। तो जब भी आप माउस चूज करें डीपीआई को तो देखें लेकिन डीपीआई से ज्यादा फोकस करें पोलिंग रेट पे माउस के। अगर 1000 तक का पोलिंग रेट है तो बहुत ही अच्छी बात है, और 1000 से 500 के बीच में अगर वेरी करता है तो भी उस माउस को आप कंसिडर कर सकते हैं, चाहे आपको गेमिंग के लिए माउस लेना हो या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए या फिर जनरल टास्क के लिए। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर